हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल वीडियो में क्या किया था? इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हमने कर लिया था बच्चों। आज हम करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो बच्चों, प्राइम और कंपोजिट नंबर करने के पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के जो टाइप्स होंगे ना, उसी में ये प्राइम और कंपोजिट नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो बच्चों आओ करते हैं। तो क्या आएगा ये पहले? नेचुरल नंबर। तो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन नोन एज नेचुरल नंबर। तो एग्जाम्पल क्या दोगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। अब आता है बच्चा होल नंबर। नाम क्या है? होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है? पूरा, मतलब सारे के सारे नंबर्स। तो सारे के सारे नंबर्स कब बनेंगे? जब आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दो, तो क्या हो जाएगा? पूरे नंबर हो जाएंगे। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? होल नंबर। कोई आपसे ये कहे कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आप कहोगे बिल्कुल, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। बट कोई आपसे ये कहे कि सभी होल नंबर्स, मतलब ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये रॉन्ग है, ये फाल्स है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो जीरो है वह तो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे के सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, अब आता है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके कुछ फॉलोइंग टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला टाइप्स क्या है बच्चों? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? आओ पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। मतलब कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स को हम ऐड करें और जो आए हमारे पास, यदि वो उस नंबर का डबल है, ट्वाइस है, मतलब दुगुना है, तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। चलो इसको आप एग्जांपल से और अच्छे से समझ पाओगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो 6 है और 28 है, ये दोनों क्या हैं? परफेक्ट नंबर। और भी आगे परफेक्ट नंबर हैं, पहले हम एक एक करके समझेंगे। तो कोई आपसे कहे कि 6 क्या है, तो आप कहोगे परफेक्ट नंबर है। 28 क्या है, ये भी परफेक्ट नंबर है। अब क्यों है परफेक्ट नंबर, चलो देखते हैं। तो आप 6 का फैक्टर निकालो, तो फैक्टर क्या होता है मैंने आपको समझाया था। मैं कहूँ 6 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जिसके जिसके टेबल में 6 आएगा वो 6 का फैक्टर होगा, या वो नंबर जो 6 को डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाएगा? 6 का फैक्टर कहलाएगा। तो सोचो 6 किसके किसके फैक्टर किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल। 2 के टेबल में आता है, 2, 3, 6। 3 के टेबल में आता है, 3, 2, 6। 6 के टेबल में आता है, 6, 1, 6। तो ये सारे क्या है बच्चों? 6 के फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर्स का सम निकालो, मतलब इन सारे फैक्टर्स को ऐड करो। तो हमने जब ऐड किया 1 + 2 + 3 + 6, तो क्या आया? 12। अब अच्छा ये देखो, जो हमारे पास 12 आया है, क्या ये 6 का डबल है? बिल्कुल, 6 × 12, तो 6 का ये ट्वाइस है, 2 times है, तो इसलिए हम 6 को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। ऐसे ही आप 28 को देखो, तो 28 के फैक्टर्स निकालो, देखो 28 किसके किसके टेबल में आता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो 1 है ना, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, मतलब 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है।
तो देखो 28 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 के टेबल में, 28 के टेबल में, खुद के टेबल में भी आएगा 28 बन जा 28। तो ये सारे क्या हैं, 28 के फैक्टर्स हैं। अब इन सारों को आप ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। तो अब ये देखो आप कि जो 56 आया है क्या वो 28 का डबल है, बिल्कुल 28 टू जा 56 तो डबल है, इसका मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर। अब मैं आपसे ये कहूँ, मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि बच्चों 10 क्या 10 परफेक्ट नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं 10 के, मतलब जो जो नंबर 10 को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, या जिनके जिनके टेबल में 10 आता है। तो 1 के टेबल में आता है 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 5 10। अब इन सारों को ऐड करो, सम इनका निकालो, तो 1 + 2 + 5 + 10 क्या होता है, 18। लेकिन 10 का डबल क्या होता है, 10 का 2 टाइम्स क्या होता है, तो 10 टू जा 20। क्या 20 और 18 इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या परफेक्ट नंबर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। यदि इनका सम करने के बाद, मतलब इनको ऐड करने के बाद हमारे पास 20 आता तो उसको हम क्या कहते, 10 को हम क्या कहते, परफेक्ट नंबर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, जो कि 10 का डबल नहीं है, इसलिए 10 को हम परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। ऐसे ही आप और भी नंबर्स लेना और उनके फैक्टर्स निकालना और चेक करना क्या डबल आ रहा है, नहीं आ रहा है। यदि डबल आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब हम आगे करते हैं बच्चों, अब आएगा बच्चों इवन नंबर एंड ओड नंबर। अब इवन नंबर और ओड नंबर क्या होता है, तो बच्चों इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, मतलब अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। मतलब जो जो 2 के टेबल में आता है वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर। तो सोचो 2 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 and so on। तो ये सारे क्या हैं, इवन नंबर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर्स जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। ऐसे ही अब आएगा ओड नंबर की, ओड नंबर क्या होता है, तो बच्चों ओड नंबर का मतलब है वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर जो 2 के टेबल में ना आए उसे क्या कहेंगे हम, ओड नंबर। तो देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and so on, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 2 के टेबल में नहीं आते, इनको क्या कहोगे, ओड नंबर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर्स जिसकी लास्ट डिजिट या जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, ओड नंबर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहूँ 523, ये नंबर्स क्या है, ओड है या इवन है, तो आप क्या देखोगे, लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है, 3 है, 3 क्या होता है, ओड नंबर। तो 523 क्या है, ओड नंबर। मैं आपसे कहूँ बच्चा 124, ये क्या है, तो आप देखोगे लास्ट वाली डिजिट क्या है, 4 है, 4 क्या होता है, इवन नंबर, मतलब 2 के टेबल में आता है 4, तो 4 क्या है, इवन नंबर। तो क्या 124 क्या होगा, फिर इवन नंबर होगा, ठीक है बच्चा। चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो 1, 3, 7, 9, 5, 6, मैं आपसे कहूँ ये नंबर क्या है, ओड है या इवन है, तो आप देखोगे लास्ट डिजिट 6 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है, ठीक है बच्चा। तो आपका इवन और ओड हो गया। अब बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे प्राइम नंबर,
कंपोजिट नंबर आपको थोड़ी देर में मैं वीडियो भेज रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की ज़्यादा साइज़ ना हो इसलिए छोटे छोटे पार्ट आपको बना के मैं दूंगा। तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।